हेलो गाइस, वेलकम बैक स्टडी बीट। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग हिंदी का पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लोग थर्ड चैप्टर तक कर लिए थे, आज फोर्थ चैप्टर करेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह जो वीडियो है सो क्लास टेंथ मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम जो भी बच्चे 2023 में देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इसका लिंक भी आप लोगों को वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टडी विद इन, तो उसको जा करके आप लोग सर्च करके वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड इसका जो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा या कहीं ना कहीं चैप्टर में आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये अनाम दास की जो पोथा जो उपन्यास है वो किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर कि ललित निबंध है। तो यह जो नाखून के उबरते हैं चैप्टर यह एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो आप लोग फटाक से कमेंट करके बता दीजिएगा किसका क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित पाठ क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो पाठ है उसका लेखक यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका लेखक कवि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कवि का नाम क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऐसे भी आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी कितना ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून उसके जीवंत प्रतीक है, यानी मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्विक वृत्ति के या सौंदर्य के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, पार्श्विक वृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ जो कहते हैं वह यानी अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया था, यानी उनकी पत्नी ने, छोटी बेटी ने, मित्र ने या नौकर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेवन का वो हो जाएगा बी, छोटी बेटी ने। और आजकल का लोग का फैशन हो गया है नाखून बड़े बड़े बढ़ाना और अलग अलग कलर से नेल पेंट करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गंदा व्यवहार है, क्योंकि नाखून में क्या रहता है, कीटाणु रहता है जिससे हमारे खाना के साथ, भोजन के साथ पेट में जाता है और जिससे अनेक प्रकार के बीमारी होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आजकल लोग फैशन के आगे स्वास्थ्य को कौन ख्याल रखता है, तो आजकल के लड़कियों का खासकर के फैशन हो गया है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं नहीं बढ़ाती हूँ, तो इसीलिए आप लोग जो भी मेरे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, वो नहीं बढ़ाए क्योंकि यह नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सबका अपना अपना सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर कि नाखून मनुष्य का क्या है, प्राचीनतम हथियार है, मध्यकालीन हथियार, आधुनिक हथियार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट नंबर का ए, एक प्राचीनतम हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, यानी भारतीय परंपराओं पर, भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोक नृत्यों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परंपराओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो अस्त्र
बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वह है मनुष्यता की विरोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने, यहाँ पर सॉरी सन नहीं होगा, सब होगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है, यानी कालिदास कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 11 का सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है, यानी नाटक, निबंध संग्रह, काव्य या आत्मकथा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा भी निबंध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो यह हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसी पाठ का होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किन की कृति है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर, मूले, अशोक वाजपेयी या अमरकांत का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो यह पंक्ति किस पाठ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो यह जो प्रवृत्ति का प्रतीक है 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर पार्श्विक प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो बाणभट्ट किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है बाणभट्ट भी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो यह जो है एक ललित निबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दधीची की हड्डी से क्या बना था, यानी चूर्ण, त्रिशूल, वर्ज या तलवार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो अल्पज्ञ पिता किस प्रकार का जीव होता है, तो यह दयनीय जीव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सिक्तक का अर्थ होता है, तो सिक्तक का जो अर्थ होता है मोम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख, तो ये गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो कौन सा लोग छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो ये दक्षिणात्य लोग जो होता है वह छोटे नखों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे बम गिरा हुआ था, तो वो कहाँ पे है, जापान में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसको कहा था, यानी चोर को, डकैत को, नाखून को या सिपाही को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, नाखून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका जो इतिहास मिलता है वह कामसूत्र में मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, यानी नखधर मनुष्य जो है वो एक प्रकार के एटम बम पर भरोसा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर।
कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है, यानी यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 30 का भी, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हिंदी का आप लोग का 4th चैप्टर था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। तो ये सारे बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टडी बिट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार का वीडियो लेकर के आएंगे, किस सब्जेक्ट का, वो भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि नाखून न बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है तो ये जान ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।